नमस्कार इंदौर, मैं सिमरन तिरवार स्वागत करती हूं आप सभी का अभय न्यूज के 21 अप्रैल गुरुवार के बुलेटिन में। चलिए देखते हैं इंदौर शहर का आज का हाल। कंपनियों में निवेश का झांसा देकर शातिर ठगों ने लोगों से 5 करोड़ रुपए की ठगी कर ली। आरोपी निवेशक को झांसा देने के लिए पहले छोटा निवेश करवाते थे, फिर उसे ऊंची रकम लौटाते थे। लालच में फंसा निवेशक इन्हें मोटी रकम थमाता तो ये उसके रुपए हड़प कर सिमरन कर लेते थे। आरोपियों से 13 लाख रुपए नगद, 25 मोबाइल, 10 लैपटॉप, 50 से ज्यादा आयातित घड़ियां मिली है। पुलिस को मुख्य आरोपी के प्लॉट के कागजात, 2 SUV, TVS अपाचे मोटरसाइकिल, फार्म हाउस के दस्तावेज, सोने के ब्रेसलेट होने की जानकारी मिली है। ये कंपनी एक महिला एवं पुरुष चला रहे हैं। दरअसल रीवा के रहने वाले पवन तिवारी और पूजा थापा ने यह कंपनी बनाई थी। उनकी एडवाइजरी कंपनी का काम लोगों को निवेश का झांसा देकर फंसाना था। इनके एजेंट लोगों से दूसरों के नाम से ली गई सिम के माध्यम से संपर्क करते थे और निवेश करवाते थे। इन्होंने आसाम राइफल के राइफल मैन सौरभ कुमार मिश्रा को झांसा देकर 3,78,000 रुपए का निवेश करवाया था। दरअसल 10 फरवरी को काव्या नामक युवती ने सौरभ को निवेश की सलाह दी थी और रुपया जमा करवा लिया था। मिश्रा की शिकायत पर पुलिस ने जांच की तो कंपनी राउंड में चलती पाई गई। जाल बिछाकर 10 लोगों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में इन्होंने फर्जी एडवाइजरी कंपनी चलाने की जानकारी दी। दरअसल पवन तिवारी और पूजा थापा को दीपू चलानी सिम मुहैया कराता था। वह ग्राहक से 2 ID कार्ड लेता था, एक पर वह ग्राहक को सिम दे देता था जबकि दूसरी ID से वह दूसरी सिम पवन तिवारी और पूजा थापा को देता था। इन सिम के माध्यम से लोगों से संपर्क किया जाता था। फिर कैलाश मौर्य, कपिल हारिया, अनिल यादव अपने व अपने परिचितों के नाम से खाते खुलवाते थे। इन खातों में निवेश की रकम जमा करा ली जाती थी। यज्ञदत्त शर्मा इन खातों से राशि निकालकर मुरली पाटनकर को देता था। मुरली यह रकम पूजा थापा और पवन तिवारी के हवाले कर देता था। दीपक तिवारी, विनोदी त्रियोदी, विशाल जायसवाल, प्रकाश भट्ट, दीपा लोगों को कॉल करते थे और निवेश के लिए तैयार करते थे। निवेश होने के बाद यह सिम बंद कर लेते थे। अनुराग टीम लीडर का काम करता था। फर्जी एडवाइजरी कंपनी चलाने वाले पवन तिवारी और पूजा थापा ने करीब 5 करोड़ रुपए का निवेश लोगों से कराया था। इस राशि से वह शाही जिंदगी जी रहे थे। दोनों महंगी SUV का उपयोग कर रहे थे और इनके पास पाताल पानी, ओमेक्स सिटी, स्मृति कॉरिडोर, रीवा में प्लाट और पाताल पानी में फार्म हाउस की जानकारी मिली है। फिलहाल पुलिस पवन तिवारी और पूजा थापा की तलाश कर रही है। इनके आने के बाद ही सही स्थिति स्पष्ट होगी। कनाड़िया थाना क्षेत्र से 3 दिन पहले इवेंट मैनेजर कंपनी को किडनैप करने वाले मास्टरमाइंड को पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपी और महिला का पहले से प्रेम प्रसंग था। दोनों काफी समय तक लिव इन रिलेशन में भी रह चुके थे। पूछताछ में पता चला कि प्रेमिका की शादी की बात सुनकर आरोपी ने उसका अपहरण किया था। मामले में पुलिस आरोपी के 2 साथियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। युवती को उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। दरअसल कनाड़िया पुलिस ने एक इवेंट कंपनी की कार चलाने वाले ड्राइवर इंदर चौधरी की शिकायत पर इवेंट मैनेजर दीप्ति पालीवाल को अगवा करने का प्रकरण दर्ज किया था। घटना वाले दिन इंदर कार से दीप्ति और उसकी साथी कशिश खान को लेकर कैलिफोर्निया सिटी जा रहा था। इसी बीच आरोपी रितेश राजपूत साथियों के साथ कार से आया और दीप्ति को किडनैप कर लिया। आरोपी रितेश ने ड्राइवर इंदर से कार की चाबी भी छीन ली थी। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी रितेश के 2 साथियों को पकड़ लिया था। इसके बाद पुलिस ने मास्टरमाइंड रितेश को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को जांच में पता चला है कि दीप्ति और रितेश के बीच 2 साल से अफेयर था। रितेश पहले से शादीशुदा है और पहले भी उसकी एक शादी तुड़वा चुका है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपहरण की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। जांच के दौरान पता चला कि रितेश नाम का संदेही व्यक्ति है जिसके साथ इनका पहले भी संबंध रहा है, वो व्यक्ति के साथ ये गई हैं। फिर इसमें तलाश पुलिस की टीमों ने काफ़ी किया, उसके बाद इनको ढूंढने में सफलता मिली है जिसमें अपनी अपहरिता का पता चला। वो सुरक्षित हैं, ठीक है, उनका भी न्यायालय में बयान चल रहा है और जो आरोपी है रितेश वो भी मिला है, उसको भी पुलिस ने पकड़ रहा है और इसमें इस तरह से मामला समाधान हुआ है। अब इस मामले में अपने पास 3 लोग मिले हैं जो घटना में भी फरियादी के द्वारा 3 लोगों को बताया गया था, तो अभी इन पर कार्रवाई चल रही है। रितेश का पहले से भी कुछ रिकॉर्ड रहा है जिसकी जानकारी संबंधित थानों से ली जा रही है और इस मामले में भी उसके विरुद्ध अपहरण की धाराओं में कार्रवाई की गई है और उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। रिश्तों को तार तार कर फूफा ने मानवता को भी शर्मसार कर दिया। 12 साल की मासूम के साथ उसी के फूफा ने दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। हैवान फूफा नाबालिग से दुष्कर्म करने के बाद उसे धमका रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आजाद नगर थाना क्षेत्र में नगर निगम के कर्मचारी ने अपने ही साले की बेटी को डरा धमका कर उससे बलात्कार किया।
आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आजाद नगर थाना प्रभारी इंद्रेश त्रिपाठी ने बताया, बच्ची की माँ सब्जी का ठेला लगाती है। घटना वाले दिन बच्ची, उसका छोटा भाई और माँ ठेला लगाने गए थे। इसी बीच बच्ची के भाई को भूख लगी तो माँ ने बच्ची से कहा कि इसे घर ले जाकर खाना खिला दे। बच्ची भाई को घर लेकर गई तो वहाँ फूफा मौजूद था। उसने बच्चे को कहा कि मेरी बाइक का लॉक खराब है, तुम नीचे खड़े रहो। बच्चा बाहर चला गया और मौका पाकर बच्ची से दुष्कर्म किया। घटना के कुछ दिन बाद बच्ची ने माँ को सारी बात बताई, जिसके बाद माँ उसे थाने लेकर पहुंची। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो बोले बता बेटा क्या हुआ? बोले मम्मी उसने जब आपने मुझे भेजा था तो फूफा ने भाई को भेज दिया गाड़ी के पास खड़े होने, और अंदर कमरे में आए और दरवाजा बंद कर लिया और मेरे साथ फिर लिटा के दुष्कर्म किया। और लड़की रोने लगी तो बोले देख अगर तू बताएगी किसी को तो उल्टा तेरे को मार पड़ेगी, तो धमका दिया उसको। तो बच्ची कुछ बोली नहीं, लेकिन जब 15 दिन बाद 16 दिन बाद उसको थोड़ा हिम्मत बंधी, रोई तो मम्मी ने पूछा तो इसकी रिपोर्ट हुई है। तो आरोपी पे चूँकि रिश्तेदार है 376-3-3/4 पॉक्सो एक्ट कायम किया गया है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे माननीय न्यायालय प्रस्तुत करेंगे। महज 3.5 लाख रुपए की लागत से कुछ युवाओं ने रेसिंग कार बनाई है, जिसे लेकर वो नोएडा में होने वाली सुप्रा फॉर्मूला कार रेसिंग कंपटीशन में भाग लेंगे। 25 स्टूडेंट्स की मेहनत से बनी ये कार पर्यावरण को ध्यान में रखकर बनाई गई है। शहर के इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ने कई महीनों की मेहनत और महज 3.5 लाख की लागत से रेसिंग कार तैयार की है। इसमें 25 छात्रों का अथक परिश्रम शामिल है। कार को 22 अगस्त से नोएडा में होने जा रहे सुप्रा फॉर्मूला कार रेसिंग कॉम्पिटिशन में उतारा जाएगा। कार में प्रदूषण को कम करने के लिए खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे धुएं के कारण पर्यावरण को नुकसान न हो। गौरतलब है नोएडा के बुद्धा इंटरनेशनल ट्रैक पर होने वाले कंपटीशन में देश भर की 100 से ज्यादा टीमें हिस्सा ले रही है। कार को बनाने के लिए 7,20,000 रुपए का बजट तय किया था, लेकिन कम फंडिंग के कारण उन्होंने पुरानी कार के पुर्जे निकाल कर इसे बनाया है। इसके बाद कार का बजट आधे से भी कम हो गया। जी सर, ये एक फॉर्मूला स्टूडेंट कार है, ये हम बेसिकली रेसिंग के लिए बनाते हैं। ये गाड़ी जो है आप इधर जो देख पा रहे हैं, ये हम फॉर्मूला भारत 2022 में कोयम्बतूर में जो कारी मोटर स्पीडवे पे हुआ था, ये हम वहाँ से लेके आ चुके हैं। वहाँ पे ये एमपी की इकलौती टीम, हमारे कॉलेज एमपी की इकलौती टीम थी जो वहाँ पे हम एमपी को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे थे वहाँ पे। अभी हम इस गाड़ी को सुप्रा एसी इंडिया 2022 के लिए तैयार कर रहे हैं, जो 22 अगस्त से 26 अगस्त बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट नोएडा में होने जा रहा है। अगला सर ये वही सुप्रा एसी इंडिया 2022 के लिए जा रही है, और इसको हम हर रोज़ टेस्ट करके देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें चेंजेस हम कर सकते हैं ताकि हम इसको जिता के ला सकें। बारात में डीजे पर नाचने के दौरान धक्का लगने की मामूली बात पर युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। एक अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है। आजाद नगर थाना क्षेत्र के मूसाखेड़ी में 2 दिनों पहले रोशन चौहान की बारात निकल रही थी। इसमें सुमित राठौर, सोनू यादव और अन्य युवक नाच रहे थे। नाचने के दौरान सोनू का धक्का सुमित को लग गया। इस पर सुमित इतना आक्रोशित हो गया कि उसने सोनू से गाली गलौज शुरू कर दी। सोनू ने मना किया तो सुमित और उसके एक अन्य साथी ने सोनू पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। साथी सोनू को लेकर एम्बा अस्पताल पहुंचे, लेकिन अधिक खून बहने के कारण सोनू ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। घटना के बाद पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है, वहीं दूसरे की तलाश की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने हिरासत में लिए आरोपी की पहचान उजागर नहीं की है। ये 2 दिन पहले एक रोशन चौहान की बारात थी, जिसमें डीजे पे नाचने को लेके एक धक्का मुक्की हुई और सोनू यादव को तीन चार चाकू पैरों मारे, उसकी मौत हो गई थी। हत्या का मामला पंजीबद्ध किया गया था। एक व्यक्ति नामजद आरोपी था और एक अन्य था, जिसमें अभी एक को राउंड अप किया है। अभी पूछताछ जारी है और जैसे क्लियर इसमें होता है तो शीघ्र गिरफ्तारी करके इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मौसम का मिजाज गुरुवार सुबह अचानक बदल गया। आसमान में बादलों ने आमद दर्ज करवाई और हवाएं भी चली। सूरज के तल्ख तेवर से कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन उमस ने शहर वासियों को परेशान किया। इधर दिन और रात के तापमान में भी उछाल आया है। अधिकतम तापमान जहां 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा। दरअसल पाकिस्तान के ऊपर बने पश्चिमी विक्षोभ के चलते ट्रफ लाइन राजस्थान के ऊपर गुजर रही है, जिसकी वजह से अरब सागर से नमी मिल रही है। इसी के चलते मौसम में बदलाव आया है। आगामी 2-3 दिनों में दिन और रात के तापमान में गिरावट आएगी।
इसके अतिरिक्त धार, झाबुआ, अलीराजपुर में धूल भरी आंधी चलने और गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। इसकी मेन वजह है कि जो अभी एक पश्चिमी विक्षोभ की स्थिति है वो पाकिस्तान के ऊपर बनी है, और जिसकी वजह से एक टफ लाइन कहें या फिर एक चक्रवाती घेरा है वो जो राजस्थान के ऊपर बन गया है, तो जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हमको अरब सागर से नमी भी प्राप्त हो रही है, जिसकी वजह से ये अभी दो तीन दिन आने वाले दो तीन दिन हैं। इन दो तीन दिनों में जो अधिकतम तापक्रम है ये गिरेगा, ये 38 डिग्री के आसपास जाएगा, और जो अधिकतम तापक्रम है वो भी अब गिरेगा, वो 21-22 डिग्री के आसपास रहने की संभावना। और अगर बारिश की बात करें तो अभी आज ही अलर्ट किया है IMD ने कि जो हमारे कुछ ज़िले हैं, विशेषकर धार, झाबुआ, अलीराजपुर, यहाँ पे जो हवाओं की गति वो धूल भरी आंधी चलेगी, जिसके कारण जो विजिबिलिटी वो भी कम हो जाएगी और हल्की हल्की बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। शहर में बच्चियों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा मिल सके, इसे लेकर यहाँ के एक सरकारी स्कूल ने अनूठा प्रयास किया है। ऑफर के तहत एक ही घर से तीन बच्चियां पढ़ने आती हैं तो एक की फीस माफ कर दी जाएगी और दो बच्चियों के पढ़ने पर एक बच्ची की फीस आधी कर दी जाएगी। ये ऑफर गरीब और निम्न आय वर्ग की बच्चियों को शिक्षा देने के उद्देश्य से विशेष योजना बनाई गई है। अक्सर देखा जाता है किसी भी चीज का प्रचार प्रसार करने के लिए नए नए ऑफर निकाले जाते हैं, लेकिन शासकीय रजत जयंती कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ने ज्यादा से ज्यादा एडमिशन के लिए विशेष ऑफर निकाला है। फीस माफी के साथ यूनिफॉर्म, किताबें और जूते की व्यवस्था भी स्कूल प्रबंधक द्वारा की जाएगी। इसके लिए 12 सदस्यीय स्कूल कमेटी ने 1.5 लाख रुपए एकत्र किए हैं। इसी राशि से यह व्यवस्था की जाएगी। साथ ही जो भी लोग बच्चों को स्कूल तक लेकर आएंगे उन्हें 251 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वर्तमान में स्कूल में 360 छात्राएं अध्ययनरत है, लेकिन इस बार का लक्ष्य 500 से अधिक छात्राओं को प्रवेश दिलवाना है। इसलिए सभी ने निर्णय लिया कि बच्चों की जो नए बच्चे आते हैं उनको फीस की समस्या रहती है, ड्रेस की समस्या रहती है, कापी किताबों की समस्या रहती है, जूते चप्पलों की समस्या रहती है, तो उसके लिए हम सभी लोगों ने एक फ़ंड बनाया है। वो उसमें फ़ंड में लगभग 1.25 लाख रुपये इकट्ठा हो चुका है। वो 1.25 लाख रुपये जो भी नए बच्चे आएंगे उनको, बच्चियों को सबको ड्रेस फ्री में दी जाएगी, उनको पुस्तकें दी जाएगी, जूते चप्पल दिए जाएंगे, और जो बच्चियों को लेके आएगा उसके लिए भी हम लोगों ने एक प्रोत्साहन राशि रखी है कि वो जो बच्चे को लेके आएगा एडमिशन कराने उसको 251 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वो पिछले साल भी हम लोगों ने किया था, सभी ने बच्चियों को ठंड में स्वेटर दिए थे, ड्रेस दी थी, सब चीज़ दी थी, तो इसलिए हम लोगों ने पूरे स्टाफ ने मिलकर एक विधिवत उसको चालू कर रहे हैं। मानसिक रूप से बीमार एक महिला 3 मंजिला इमारत से नीचे जा गिरी। परिजन घायल हालत में उसे अस्पताल ले गए, लेकिन गहरी चोट होने के कारण उसे बचाया नहीं जा सका। पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है। दरअसल मामला छतरीपुरा थाना क्षेत्र के समाजवाद नगर में रहने वाली 42 वर्षीय महिला विद्या परमार का है। वह मानसिक रूप से बीमार थी। वह अपने ही घर की 3री मंजिल से गिरकर गंभीर घायल हो गई। परिजन उपचार के लिए उन्हें अस्पताल ले गए, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का PM कराया। बताया जा रहा है महिला मानसिक रूप से बीमार थी, ऐसे में वह 3री मंजिल से खुद गिरी या कूदी या जांच का विषय है। उनकी तबीयत खराब है काफी, डिप्रेशन भी उनको इशू है, उसका चलते उनका इलाज भी चल रहा था। हम कल परसों डॉक्टर को भी दिखाया हमने, सुबह अचानक से कब वो छत से गिरे क्या हुआ हमें कुछ पता नहीं था। गली में एकदम चिल्ला चोट की आवाज़ आई, तब हमने छत पे से देखा उठ के, ऐसे ही हम आया और हॉस्पिटल लेकर गया। इस बीच ये तकरीबन मॉर्निंग में 7:30 बजे के आसपास। उम्र 42 साल, निवासी समाजवाद नगर इंदौर की। यह अपने घर की छत से अधिक ऊंचाई से गिरने के कारण चोट आने से इसकी मौत हुई। और अब खबरें दे दनादन। राष्ट्रवादी अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन 24 अप्रैल को शाम 6 बजे रेस क्रॉस रोड स्थित बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स में होगा। आयोजन संस्थान विश्व हिंद प्रहरी द्वारा आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत किया जाएगा। उपाध्यक्ष राघवेंद्र त्रिपाठी ने गुरुवार सुबह प्रेस वार्ता में बताया, आयोजन में कवि हरिओम पवार, गौरव सिंह चौहान, अमर अक्षर आदि काव्य पाठ करेंगे। साथ ही शहर की उन 9 हस्तियों का सम्मान किया जाएगा जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य किया है। इस वर्ष से शुरू किया जा रहा हिंद प्रहरी सम्मान पश्चिम बंगाल के देवदत्त मांझी को दिया जाएगा। जी, संस्था हमारी संस्था का नाम है, और इसमें हम लोग अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं, जो 75वां आज़ादी का अपना स्वराज अभियान चल रहा है उसी के तहत ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और इसमें अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के प्रख्यात कवि हरिओम जी पंवार, गौरव सिंह जी चौहान और हमारे भाई अमन अक्षर, ये सभी लोग उसमें अपना काव्य पाठ करेंगे।
प्रवेश निःशुल्क है लेकिन प्रवेश पत्र से है और शहर के विभिन्न स्थलों पे। और एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक का नाम अश्विन पिता प्रभुलाल पटेल है और वह देवास का रहने वाला है। कल उसे अचेत अवस्था में परिजन निजी अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया वह खेत में दवाई छिड़कने गया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हाँ, जीरो पर मर्ग कायम हुआ। जो भंडारी हॉस्पिटल में भर्ती था, देवास के रहने वाले मृतक कोई अज्ञात पायजन खा के भर्ती हुआ था, तो उसके दौरान इलाज के उसकी मृत्यु। अश्विन नाम है उसका। भवरकुआ थाना स्थित हॉस्टल में रहने वाली बीएससी सेकेंड ईयर छात्रा रेणुका धाकड़ की संदिग्ध मौत हो गई। पुलिस ने मौके से मोबाइल जब्त किया है। पुलिस ने जांच के बाद ही मौत के सही कारणों के सामने आने की बात कही है। एक 20 वर्ष की युवती है जिसने बालाजी गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी, बीएससी सेकेंड ईयर की छात्रा थी। उसने अज्ञात कारणों से फांसी लगा ली है। अभी परिजनों के कथन नहीं हो पाए, उसने मर कायम कर लिया है, जांच जारी है। सुसाइड नोट अभी बरामद नहीं हुआ है। बुधवार गुरुवार के दरमियानी रात रावजी बाजार थाना क्षेत्र के महल कचहरी में रहने वाले ज्वेलर्स व्यापारी हीरा लाल सोनी के घर में चोरी की वारदात हुई। चोर उनके घर से टॉप्स, चैन, अंगूठी और 1,40,000 रुपए नगद ले गए। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। कल दरमियानी रात में महल कचहरी में हीरा लाल सोनी जी हैं, उनके यहाँ एक चोरी की घटना हुई थी। रात्रि के दौरान माल में ज्वेलरी है, कान के टॉप्स हैं, एक चेन है, एक अंगूठी है और 1,40,000 नगद रुपए है। बाणगंगा थाना क्षेत्र में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां आरोपी आनंद ठाकुर ने प्लॉट के नाम पर 20,00,000 रुपए ले लिए। इसके बाद न तो आरोपी ने प्लॉट दिया न ही रुपए लौटाए। मामले में पुलिस केस दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है। ये थाना बाणगंगा में एक आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें आनंद ठाकुर नाम का व्यक्ति है, इसने प्लॉट के नाम पर 20,00,000 रुपए ले लिए थे और उसके बाद उसको प्लॉट दिया नहीं, उसी पर से ये प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। हाँ, इसने जैसा मैंने बताया है प्लॉट देने के नाम पर जो है पैसा लिया था और उसके बाद ना प्लॉट दिया और ना पैसे वापस किए। भवरकुआ थाना क्षेत्र में युवती का फर्जी आईडी बनाकर किसी ने उस पर अश्लील कंटेंट लिख दिए। आईडी में आरोपी ने युवती की फोटो भी लगा दिए। मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। एक आईटेक्ट मामला पंजीबद्ध हुआ है, उसमें एक महिला ने आवेदन थाने पर आवेदन दिया कि उसकी किसी ने फर्जी आईडी बना ली है, उस पर स्वयं लड़की के फोटो डाल दिए और उस पर अश्लील कंटेंट लिखा है। इस पर से आवेदन पर से हमने FIR पंजीबद्ध की है आईटेक्ट के अंतर्गत और जांच जारी है। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का हमारा बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है या कोई जानकारी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9111144007 पर दे सकते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।